हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्पून विद नीतू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी से बनने वाली स्वीट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है रसमलाई, जो हम बनाएंगे ब्रेड से और बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बन जाती है। इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन, आप कोई कढ़ाई ले सकते हैं, और इसमें आधा लीटर मैंने डाला है फुल क्रीम दूध। अब इसको हम गैस पे रख लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे आधा कप मिल्क पाउडर। तो अभी मैंने गैस पे रखा ही है, तभी मैं तुरंत ऐड कर रही हूँ क्योंकि दूध अभी थोड़ा सा ठंडा ही है। तो इसमें तभी के तभी हमें मिल्क पाउडर डालना है और अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि गर्म दूध में अगर हम मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसमें लम्ब्स बन जाते हैं। तो ठंडे दूध में ही आप इसको फटाफट से मिक्स कर दीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी, तो यहाँ पर मैं 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, आप चाहे तो इसमें गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर केवड़ा वाटर भी ऐड कर सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केसर के धागे, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर इससे कलर भी अच्छा आएगा, तो आप चाहे तो येलो फूड कलर डाल सकते हैं अगर आप केसर नहीं डाल रहे हैं, या फिर आप इसे प्लेन वाइट ही बना सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर केसर जो है धीरे धीरे अपना कलर छोड़ देगा इसके अंदर और इसका कलर हल्का सा येलोइश हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हमें अब पकाना है, तो ये दूध हमारा पकने लगा है, तो 7 से 8 मिनट हमें इसे अच्छे से पकाना है हाई फ्लेम पर, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए हमारा दूध। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको बीच बीच में चलाती रहूँगी और ये 7 से 8 मिनट पक गया है हमारा दूध। अब इसको हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कलर आ गया है, धीरे धीरे केसर अपना कलर छोड़ता रहेगा, तो अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक बाउल ले रही हूँ और इसके अंदर मैं ले रही हूँ ये मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर ये लगभग 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर लिया है और 1 चम्मच मैं इसके अंदर पाउडर शुगर डाल रही हूँ, और फिर इसमें डालेंगे कटे हुए काजू और बादाम, आप चाहे तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, ठंडा दूध डालना है और इसका हमें गाढ़ा सा घोल बना लेना है, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा गाढ़ा सा घोल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर ब्रेड ले लेंगे, तो यहाँ पर मैंने ये वाइट ब्रेड लिया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर आप कोई भी शार्प एज का कोई कटोरी ले लीजिए या ग्लास, उससे हम इस तरह से राउंड शेप में इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें कट करना है ब्रेड को। तो यहाँ पर ये मैंने मिल्क ब्रेड ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी रसमलाई का। तो इसी तरह से मैंने पीसेज में कट कर लिया है। अब यहाँ पर 2 पीस लिए हैं मैंने ब्रेड के, और उसके ऊपर मैंने जो मिश्रण बनाया था मिल्क पाउडर का, वो मैं इस पर डाल रही हूँ। तो अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड से और इसको थोड़ा सा दबा देंगे साइडों से, और ये देखिए इस तरह से हम ब्रेड के पीसेज रेडी कर लेंगे सारे के सारे। और अब हम सर्विंग प्लेट में इसको रखेंगे, जिस भी ट्रे में आपको इसको सर्व करना है उसी में हम ये ब्रेड के पीस रखेंगे, आप चाहे तो इससे छोटा साइज़ भी बना सकते हैं। अब जो हमने रस बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, बिल्कुल ठंडा हमें इस पर डालना है, गर्म दूध नहीं डालना है इसके ऊपर, बिल्कुल ठंडा करके फ्रिज में फिर हम इसको डालेंगे। तो ये दूध मैंने बिल्कुल ठंडा कर लिया था फ्रिज में, और अब ये पूरा का पूरा मैं इसके ऊपर डाल दूंगी, और इस तरह से हमारी ये रसमलाई तैयार हो जाएगी। अगर आप ये रस बनाने के लिए मिल्क पाउडर का यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपको 1 किलो फुल क्रीम दूध लेना पड़ेगा और उसको हाफ होने तक हमें गाढ़ा करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं इस रस को, और यहाँ पर ये इंस्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिल्क पाउडर डालने से, ये दूध काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो अब इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे, तो आप अपनी पसंद का कुछ भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं काजू बादाम डाल रही हूँ और थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ, आप चाहे तो इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं ऊपर, और अब ये हमारी रसमलाई बिल्कुल तैयार है। इसको हम फ्रिज में थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।